नेपाल में सुनहरे रंग वाले कछुए की खोज हुई है। कछुए के इस दुर्लभ रंग बदलने की वजह जेनेटिक म्यूटेशन है। इसके कारण स्किन को रंग देने वाला पिगमेंट बदल जाता है, नतीजा यह सुनहरा दिखाई दे रहा है। नेपाल के टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी के मुताबिक नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल पांचवा मामला है। क्रोमेटिक ल्यूसिज्म उस स्थिति को कहते हैं जब शरीर को रंग देने वाला तत्व ही बिगड़ जाता है, यानी कि शरीर में जो पिगमेंट शरीर को रंग देता है उसमें कुछ फेरबदल हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्किन सफ़ेद, हल्की पीली या इस पर चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन नेपाल में मिले कछुए में पीला रंग अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए यही रंग हावी है और यह सुनहरा दिख रहा है। इसे पहली बार देखने वाले रेप्टाइल एक्सपर्ट कमल देवकोट कहते हैं कि मैंने पहली बार इस रंग का कछुआ देखा है। नेपाल में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का यह पहला मामला है। यह काफ़ी अलग किस्म की खोज है। नेपाल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के विशेषज्ञ कमल देवकोट के मुताबिक रेंगने वाले जीवों का आध्यात्मिक महत्व अधिक होता है। सिर्फ सुनहरे जीव ही नहीं, कछुओं को नेपाल में धार्मिक नज़रियों से देखा जाता है और इसे लेकर काफ़ी मान्यताएं हैं। कमल देवकोट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए कछुए का रूप धारा था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कछुए के ऊपरी हिस्सों को आसमान और निचले हिस्सों को धरती माना जाता है। नेपाल में 16 तरह की कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। इनमें चार ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें तीन स्ट्रिप वाले रूफर्ड कछुए, रेड क्राउन रूफर्ड कछुए, इलांगेटेड कछुए और पतले सिर वाले शॉर्टफॉल कछुए शामिल हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कछुए कीट और मरे हुए जानवरों को खाकर प्रदूषण रोकने में बड़ा रोल निभाते हैं। दवाओं में इनका इस्तेमाल होने के कारण कछुओं की तस्करी भी बढ़ रही है, नतीजा इनकी संख्या घट रही है। कुछ लोगों में यह धारणा है कि कछुए और उनके अंडे खाने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र बढ़ती है, लेकिन इन्हीं सब अफवाहों के कारण कछुओं की प्रजाति पर संकट है। हालांकि नेपाल में इस अजीबोगरीब कछुए का मिलना नेपाल के लिए काफ़ी अच्छी बात है।